हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे पास ये यूएसबी एलईडी बल्ब है। यूएसबी एलईडी बल्ब को यूज़ करके हमें पार्टी बल्ब बनाना है, जिसको हम पार्टियों में यूज़ करते हैं लाइटिंग के लिए। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे एक एलईडी बल्ब का सर्किट है, मल्टी कलर एलईडी बल्ब का, जिसको हम यूज़ करके ये एलईडी बल्ब बनाने वाले। और एक मेरे पास ये गियर मोटर और कुछ पार्ट्स है टॉयज़ के, तो इनको यूज़ करके हमें एक मल्टी कलर एलईडी बल्ब बनाना है, जो पार्टियों में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए वीडियो आगे। तो सबसे पहले हमें इस यूएसबी बल्ब को ओपन करना है, और इसके अंदर जो ये प्लेट लगी है, इसको हमें निकालना होगा। तो दोस्तों, मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसके बाद में हमें इसके वायर दोनों उठाने हैं और इसको अलग करना है वायर को। तो दोस्तों, वायर हटा के हमने इन सबको अलग कर लिया है, तो हमें इस प्लेट को तो काम लेने नहीं है, तो इसको साइड में रख देते हैं हम। और हमें अब यहाँ पर इसकी जगह ये सॉकेट यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें गियर मोटर को फिट करना है। तो गियर मोटर को फिट करने के लिए पहले हमें इसके वायर सोल्डरिंग करने होंगे दोनों। तो दोस्तों, हम यहाँ पे वायर सोल्डरिंग कर लेते हैं गियर मोटर पे। तो हमने यहाँ पे दोनों वायर सोल्डरिंग कर दिए गियर मोटर पे। तो अब हमें गियर मोटर को इसके अंदर फिट करना है। हमने यहाँ पे एक बोतल का ढक्कन लिया है, इसको हम इसके अंदर लगा के और इसमें हम गियर मोटर को इसके अंदर फिट कर देते हैं। तो हम इसके लिए ग्लू गन का यूज़ करेंगे और हमारे गियर मोटर इसमें फिट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें इस पर एक छेद निकालना होगा, जिससे हम इसको वायर को अंदर से डाल सके। तो हम इसमें सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पे एक छेद कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे छेद कर दिया दोस्तों। अब हमें इसमें सबसे पहले यूएसबी वायर डालना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे वायर को अंदर डाल दिया है। तो अब हमें ग्लू गन की मदद से गियर मोटर को इसके अंदर फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ग्लू लगा लेते हैं थोड़ा। अब हमें गियर मोटर को इस पर चिपका देना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे गियर मोटर को फिक्स कर दिया इसके अंदर। अब हमें यहाँ पे साइड में थोड़ा ग्लू डाल देना है, जिससे कि ये बाहर ना निकले। तो दोस्तों, हमने इसमें ग्लू डाल दिया है, जिससे कि भी हमारे गियर मोटर यहाँ से हिलेगी नहीं। तो हमें इसको इसके अंदर फिट करना है। तो दोस्तों, हमें इसको भी इसके अंदर चिपका देना है ऐसे, जिसके लिए हम इसको ग्लू गन से अंदर चिपका देते हैं। तो हम इसको यहाँ पे चिपका देते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे गियर मोटर को यहाँ फिक्स कर दिया है। तो अब आ रही हमें यहाँ पे ये सॉकेट लगाने की, जिसके लिए हमें, तो हम यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज कर रहे हैं, गोलाकार का कुछ टुकड़ा काटना है कार्डबोर्ड का, जिससे कि इसके अंदर इसको फिक्स कर सके। तो हम यहाँ पे मार्किंग कर ली है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं पहले गोल। तो दोस्तों, हमने कार्डबोर्ड को गोल कटिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें ये बोर्ड लगाना है, एलईडी बोर्ड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक छोटा छेद करना होगा, जिससे कि वायर इसके अंदर जा सके। तो हम यहाँ पे इस पर छोटा सा छेद कर लेते हैं पहले। तो हम इसको यहाँ पे रख के इस पर वायर के लिए छोटा छेद कर लेते हैं यहाँ पे। तो कार्डबोर्ड पर मैंने छोटा सा छेद कर लिया है। अब हम इसके बोर्ड के वायर इसके अंदर डालने हैं। तो हमने यहाँ पे इसके वायर इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसको यहाँ पे चिपकाना है। तो हम इसको ग्लू गन की मदद से यहाँ पे चिपका देते हैं। तो दोस्तों, हम इसको यहाँ पे चिपका दिया है। अभी हम यहाँ पे बीच में एक बड़ा छेद करना है। तो दोस्तों, इसके बीच में हमने यहाँ पे छेद कर लिया है। अब बारी हमें इस पर इसको फिट करने की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसके कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों, कनेक्शन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे चार वायर है, तो एक यूएसबी केबल का और एक गियर मोटर। तो आपस में हमें इनको जोड़ लेना है। तो हम पहले दो वायर को आपस में जोड़ लेते हैं इनको। तो दोस्तों, दोनों वायर को हमने आपस में जोड़ लिया है यहाँ पे।
तो दोस्तों अब आ रही है हमें इस सर्किट को इसके अंदर कनेक्ट करने की। तो यहाँ इसको भी हम इसके अंदर जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों हमने तीन तीन वायर आपस में एक जगह अटैच कर लिए हैं। तो दोस्तों हमने सर्किट और गियर मोटर के वायर आपस में अटैच कर दिए यूएसबी केबल से। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो मैं एक बार इसको चला के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पावर बैंक में लगा रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी गियर मोटर चल रही है और ये हमारे बल्ब भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इन वायर पे हमें टेप लगानी है दोस्तों। तो दोस्तों वायरिंग टेप हमने यहाँ पे कर दी है। तो हमारे ढक्कन को फिक्स करने के लिए हमारे पास ये एक केप है। तो हमें इस गियर मोटर पे ये केप लगा देनी है जिसके बाद हम हमारे सर्किट को इसके अंदर फिट कर सके। तो सर्किट को फिट करने के लिए हमें ग्लूगन की मदद लेनी होगी। तो हम इसको ग्लूगन से चिपका देते हैं चारों तरफ से। तो दोस्तों एलईडी बोर्ड को हमने यहाँ पे फिट कर दिया है। अब बारी हमें इस पे ढक्कन लगाने की। तो ढक्कन लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक स्क्रू लिया है, इसको हम इसके अंदर फिट कर देंगे जिससे कि ये बाहर नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हमें ढक्कन को यहाँ पे इस पे लगाना है, इसके बाद में हमें स्क्रू को अंदर डाल के स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको यहाँ पे फिट कर देना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये हम फिट कर रहे हैं। तो ये हो चुका है अंदर फिट। तो दोस्तों अभी हमारी एलईडी लाइट कंप्लीट है बन के। तो एक बार इसको मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं अच्छे से काम कर रही है। दोस्तों ये बल्ब आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।